ये क्या सलीम, नर्स बता रही थी रात को तुमने खाना नहीं खाया और दवा भी नहीं खाई, और अब भी नाश्ता वो वापस ले गई। ऐसे खाना नहीं खाओगे तो दवा कैसे खाओगे? समिया, तू तो मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत ज्यादती की है जिंदगी में। देख, मैंने तेरे से पैसे खाए, मैंने तुझे इज्जत नहीं दी, तुझे घर से निकाल दिया, मैंने बहुत बुरा किया तेरे साथ। ये देख, खुदा का वास्ता मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। देख, अगर तू मुझे माफ नहीं करेगी ना, खुदा भी मुझे माफ नहीं करेगा। तेरे जाने के बाद तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई, बेबे भी मुझे छोड़ के चली गई। सोनिया को तो मैंने तलाक दे दी। तू मुझे माफ कर दे और मेरी जिंदगी में वापस आ जा, मैं तुझे दोबारा कभी तंग नहीं करूंगा। नहीं सलीम, इतना आसान नहीं होता। इतनी अजियत से गुजर के, इतनी तकलीफें बर्दाश्त करके किसी की जिंदगी में वापस आना ये मुमकिन नहीं है। माफ करने के लिए ना दिल को बड़ा करना पड़ता है, दर गुजर करने के लिए, और माफ करने वाले का दर्जा अल्लाह के यहां बहुत बड़ा होता है। माफ करते हैं। नहीं तुम चौधरी सलीम कत्ल करके मफरूर हो गए और अब अस्पताल में पड़े आराम कर रहे हो। कौन था कत्ल? मैंने कोई कत्ल नहीं किया। अपनी दूसरी बीवी सोनिया का कत्ल? मैंने सोनिया का कत्ल नहीं किया। चुप है। जैसे सारे पागल कहते हैं ना कि हम पागल नहीं है, ऐसे ही सारे चोर और कातिल कहते हैं कि हमने चोरी नहीं की, हमने कत्ल नहीं किया। लेकिन कानून जानता है किसने क्या किया। लेकिन इस बार आपको गलत फहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। I said, shut up. कानून बेहतर जानता है किसने क्या किया। अख्तर, रेस्ट हिम। सर, मुझे इधर लेके जा रहे हैं सर, ऐसे ना, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। ये समीर, मुझे आप